हाँ, तो चलो लास्ट क्लास में हम लोग स्टमक पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने बात करा था पेप्सिनोजेन के बारे में। स्टमक से मेनली तीन सेक्रेशन होता है ना, स्टमक से मेनली तीन सेक्रेशन। अगर आप स्टमक का बात करो, स्टमक से मेनली तीन सेक्रेशन होता है। पहला पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन एक्चुअली पेप्सिनोजेन वो एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करेगा? ये प्रोटीन। और उसके बाद दूसरा जो है वो है म्यूकस, ठीक है। और तीसरा जो है वो है एचसीएल। जरा एक चीज को ध्यान से समझना, हम सभी लोग जानते हैं हमारे स्टमक के अंदर, हमारे स्टमक का अगर मैं एक डायग्राम दूं तो इस स्टमक के अंदर अगर कोई मान लो फूड पार्टिकल आ रहा है, कोई भी फूड पार्टिकल अगर आ रहा है इधर से ऑसोफेगस से, ये रास्ता क्या है? ऑसोफेगस, ऑसोफेगस। तो ऑसोफेगस से कोई भी प्रोटीन मान लो आया तो वो प्रोटीन तो यहां डाइजेस्ट हो जाएगा, होता नहीं होता? ये जो भी प्रोटीन यहां आएगा ये डाइजेस्ट होगा, होगा ना। अच्छा, आपका स्टमक किससे बना हुआ है? मसल। और मसल बना हुआ किससे? अभी क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्टमक के अंदर जो प्रोटीन था वो डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन स्टमक का मसल फाइबर जो कि खुद भी प्रोटीन है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? बताइए जरा। इसका कारण ये है कि ये जो स्टमक का वाल है इसके ऊपर एक और लाइनिंग होता है, एक और लाइनिंग होगा, और ये लाइनिंग किसका होगा? ये लाइनिंग होगा म्यूकस का। म्यूकस सेमी सॉलिड लाइक सब्सटेंस होता है, जेली की तरह का। और म्यूकस का मेन फंक्शन होता है कि स्टमक के वॉल को पेप्सिनोजेन और एचसीएल के एक्शन से बचाए, क्योंकि यहां पे एचसीएल भी है, यहां पे एचसीएल भी है। और ये एचसीएल कोई मामूली एचसीएल नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम कंसंट्रेशन में, ना हाईली कंसंट्रेटेड। कैसा? हाईली कंसंट्रेटेड होता है, हाईली कंसंट्रेटेड मतलब पूरे को डाइजेस्ट करने का क्षमता रखता है। अगर यहां से आप एक एचसीएल के ड्रॉप को निकालते हैं और उसमें कोई आयरन नेल डालते हैं, कोई लोहा का कांटी, उसको भी ये पिघला सकता है, इतना कंसंट्रेटेड होता है। उसके बावजूद आप बोल रहे हो कि इसको प्रोटेक्ट कर लिया जा रहा है क्योंकि इसके चारों तरफ म्यूकस का लाइनिंग है। ओके, इस टॉपिक को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये पेप्सिनोजेन जो होता है जब ये स्टमक से रिलीज होता है तब ये एक्टिव नहीं होता, ये होता है प्रोपेप्सिनोजेन के फॉर्म में, प्रोपेप्सिनोजेन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? प्रोपेप्सिनोजेन। प्रोपेप्सिनोजेन में एक टर्म जुड़ा हुआ है प्रो, प्रो का मतलब पहले। ये जो प्रोपेप्सिनोजेन होता है ये स्टमक से रिलीज होता है और ये नॉन एक्टिवेटेड होता है। कैसा होता है? नॉन एक्टिवेटेड, नॉन एक्टिवेटेड। जब ये प्रोपेप्सिनोजेन को एचसीएल का एसिडिक मीडियम में मिलता है, एचसीएल क्या करता है? एचसीएल का काम क्या? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। तो जब ये प्रोपेप्सिनोजेन एचसीएल के द्वारा बनाया हुआ एसिडिक मीडियम में आता है तब ये प्रोपेप्सिनोजेन कन्वर्ट होता है पेप्सिनोजेन में, और फिर ये पेप्सिनोजेन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट, ठीक। म्यूकस का काम तो आप जान चुके, क्या कर रहा है ये? प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक
वॉल, स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और ये एफसीएल का काम क्या होता है? दो काम एफसीएल का, दो काम। पहला काम एफसीएल का टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, क्या प्रोवाइड करता है? एसिडिक मीडियम। और दूसरा काम इसका ये होता है कि इस एफसीएल के वजह से स्टमक का, देखो पहला माउथ में कौन सा मीडियम था? बकल कैविटी में मीडियम कैसा था? बकल कैविटी में मीडियम कैसा था कोई बताएगा? स्लाइटली एसिडिक। पीएच कितना होता बकल कैविटी में? 6.8 इज स्लाइटली एसिडिक। तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम यहां है। जो थोड़ा बड़ा बैक्टीरिया वहां था उसको दो चीज किल कर रहा था। पहला टाइलिन इंजाइम, याद आ रहा है? टाइलिन सलिवरी हमारे में था जिसका काम था किलिंग करना, जो भी फूड पार्टिकल के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर कर रहे होते थे उनको किल करने का काम था किसका? टाइलिन का। सलिवरी अमाइलेज के साथ था ये एंजाइम, एंटी माइक्रोबियल था या एंटी बैक्टीरियल था अगर याद आ रहा हो। एक काम वहां हुआ किलिंग का। उसके बावजूद कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो फिर भी स्टमक तक पहुंच गए, वहां पे किलिंग का काम किसका है? एचसीएल। तो दूसरा टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चलिए लिखिए तो फटाफट। स्टमक का बात हम लोग कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, अगर आप डायग्राम से समझो तो ये रहा ओसोफेगस जहां से फूड आया। ओसोफेगस से फूड स्टमक तक कैसे प्रोसेस के थ्रू पहुंचता है बताओ? ओसोफेगस से फूड स्टमक तक किस प्रोसेस से पहुंचता है? किस प्रोसेस से? बिल्कुल पेरिस्टाल्सिस से। कोई बात नहीं, इसमें अंदाज नहीं है ना, इसलिए ऐसा होगा। खैर यहाँ पे लीवर होगा, लीवर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ के बाद समझ आइए। देखो यहाँ के बाद धीरे 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 इंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। इधर लार्ज इंटेस्टाइन होगा और बीच में, अच्छा रुको एक सेकंड, यहाँ पे और भी होगा भी। और इन सभी के बीच में होगा इधर स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर जो होगा पूरा कॉइल स्ट्रक्चर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। एक बात ध्यान देना, ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बस मैंने करा है, लेकिन एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है। ध्यान देना जो मैं समझा रहा हूं। ओसोफेगस, ये क्या स्टमक, इस पोर्शन से शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने तीन पार्ट में डाला था। स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट में, सबसे पहला ड्यूओडेनम, सबसे पहला पार्ट इज ड्यूओडेनम। सेकेंड पार्ट इज इलियम एंड थर्ड पार्ट इज जेजुना। तीन पार्ट। अच्छा यहां पे एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए नहीं, हायर क्लासेस के लिए अगर कोई बायोलॉजी लेकर आए आगे तो बस बता दे रहा हूं। इस इलियम के ना स्पेलिंग पे फोकस रखना। इलियम एक और होता है, उसका स्पेलिंग होता है, देख रहे हो, ये एक बोन है, ये इलियम एक बोन है, जबकि ये इलियम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। सबसे पहला पार्ट है ड्यूओडेनम, ये ही है ड्यूओडेनम।
ये क्या है ड्यूडेनम। ध्यान से देखो, अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक सी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, देख रहे हो सी के शेप का। तो ड्यूडेनम कैसा है, सी शेप, किस शेप का है ड्यूडेनम, सी शेप, सी शेप। इसको भी हटा दे रहा हूं, ठीक है, अभी आपके काम का नहीं है, बस मैंने बता दिया। तो ये सी शेप स्ट्रक्चर पहला पार्ट ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट यहां पे मिलेगा ये कौन सा, इलियम, एंड थर्ड पार्ट इज जेजियोनम। जेजियोनम फिर नीचे साइड से, अगर इसको आगे डिलीट करके दिखा रहा हूं, देखो इस जगह पे दिखा रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद का पार्ट, एक इधर से आया और यहां से तो एनस हो जाएगा, यहां पे देखो एक छोटा सा ऐसा लाइनिंग होता है, इस लाइनिंग का नाम क्या है, इस लाइनिंग का नाम अपेंडिक्स, वेरी गुड, पूरा नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स हमारे बॉडी का एक वेस्टिजियल ऑर्गेन है। कैसा ऑर्गेन है, इसका मतलब कोई बता सकता है, कैसा ऑर्गेन है, यूजलेस। यूजलेस मतलब आप अगर सुने होंगे पहले के टाइम में, अच्छा आप सभी को पता है हम लोग कभी चिंपैंजी जैसे ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होकर ह्यूमन बने हैं, चिंपैंजी घास फूस खाता था, है ना, घास फूस मतलब प्लांट सेल, प्लांट सेल मतलब उसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा, एंड माइंड इट वी डू नॉट हैव मशीनरी टू डाइजेस्ट सेलुलोज, हमारे बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का मशीनरी नहीं है, वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। सो टू डाइजेस्ट सेलुलोज आवर एंसेस्टर्स यूज टू हैव सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दिस अपेंडिक्स, अपेंडिक्स यूज टू हैव सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अपेंडिक्स में क्या होता था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्ड अस टू डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक। समय के साथ व्हेन इवोल्यूशन अकर्ड वी चेंज्ड इनटू ह्यूमंस, ओके, नाउ एज ह्यूमंस वी डू नॉट टेक सेल वॉल डायरेक्टली, यू में से प्लांट सेल डायरेक्टली अनकुक्ड, अभी हम खाना पका के खाते हैं, एंड वाइल कुकिंग दैट सेलुलोज गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो हमारे बॉडी को उतना जरूरत नहीं है, कभी आप मान लो बोलो सर हम सैलेड खा रहे हैं या फल खा रहे हैं तो वहां से तो सेल वॉल मिलेगा, तो उसका अमाउंट इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा कि उसको डाइजेस्ट करना जरूरी है, वो हमारे बॉडी में रफेस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले टाइम में क्या होता था, जब सिर्फ सेल वॉल हम लोग खाते थे, सिर्फ कच्चा खाना खाते थे, तब हमारे बॉडी में अपेंडिक्स का बहुत सिग्निफिकेंट रोल था, लेकिन आज के टाइम में हमारे बॉडी में अपेंडिक्स का रोल नहीं है। तो आज हमारे बॉडी में अपेंडिक्स ऐसा ऑर्गन है, वेस्टिजियल, सिर्फ अपेंडिक्स ही नहीं, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन है, फॉर एग्जाम्पल बॉडी हेयर्स, हमारे बॉडी पे हेयर्स है उसका कोई काम नहीं, पहले काम था इंसुलेशन प्रोवाइड करता था, चिंपैंजी को कभी देखे सर पैक पर घूम रहा है, नहीं देखे, मतलब गर्मी हो ठंडा हो वो तो नॉर्मल ही रह रहा है, तो ठंड में उसको बचाने के लिए उसके बॉडी को वार्म रखने के लिए कुछ तो चाहिए, तो इसलिए उसके बॉडी पे डेंस हेयर्स था जो कि उसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा था। हमारे बॉडी में हेयर्स का कोई रोल नहीं है क्योंकि हम लोग बाकी और भी बहुत सारे मैकेनिज्म से अपने अपने बॉडी को गर्म रखते हैं, आग जलाकर, सेटलमेंट्स के थ्रू, फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, बहुत तरीके से, फिजिकली मतलब ठंड ज्यादा है आज बाहर नहीं जाएंगे, आज घर में ही रहेंगे, जैसे फिजिकली अपने मन से सोच रहे हैं कि नहीं यार अभी बाहर ठंड है तो हम यहां रहेंगे तो मेरा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, बाहर जाएंगे ठंड लग जाएगा, बोलते बट चिंपैंजी के पास तो ये ऑप्शन नहीं है, तो उनके बॉडी में हेयर्स है। अच्छा उसके अलावा आप सभी लोग आईज को ध्यान से अगर कभी देखे होंगे शीशे में, तो
आईज के बिल्कुल कॉर्नर पे, अगर आप राइट आई का मान लो बात कर रहे हो, मेरे हिसाब से आपके हिसाब से आपका राइट इस तरफ होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से मेरा राइट इधर, राइट के अलग आप किसी भी आई पे बात करो उसके बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे देखोगे इस तरफ नोज के साइड, तो वहां पे एक पिंकिश स्ट्रक्चर दिखता है, पता है? अगर मैं चाहूं तो ड्रॉ कर सकता हूं, ये देखो यहां आपका आईबॉल हो गया, यहां पे होता है वो स्ट्रक्चर, होता है। अगर आप हॉलीवुड मूवी देखने के शौकीन रहे होंगे, जो कि होंगे भरोसा है, तो आप किसी हॉलीवुड मूवी में फिश का आई कई बार दिखा, पिराना इस तरह का जो भी मूवीज है फिशेस के आई को दिखाता है अच्छे से, फिश का जो आई होता है, अगर ये आई है तो वो आई दो तरीके से बंद होता है, फिशेस में तो नॉर्मली दो लेयर, या बर्ड्स में भी होता है, बहुत सारे बर्ड्स में उनका आंख इधर से बंद होता है, हमारा जो पलक होता है किधर से बंद होता है, ऐसे बंद होता है, बट कुछ में आप देखोगे जैसे फिश में खासकर उनमें दो लेयर होता है आई के ऊपर, एक लेयर जो ऐसे बंद होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, और एक लेयर ऐसे बंद होता है ऐसे नॉर्मली जैसे हमारा बंद होता है। तो ये जो अंदर वाला लेयर था, ये रेड वाला, ये इसका नाम था बर्ड्स में, मछली में, सब ना कोई नहीं, मछली में भी होता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। अभी जो भी बता रहा हूं ना ये इस चैप्टर के लिए एक्स्ट्रा है, लेकिन आपको टेंथ में ही पढ़ना है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर है उसमें वेस्टिजियल ऑर्गन आपको पढ़ना है। तो ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है ये ट्रांसपेरेंट था, कैसा था? ट्रांसपेरेंट। अभी होता ही है जैसे मान लो मछली पानी के अंदर घूम रही है, लगातार अगर वाटर का कांटेक्ट उसके आई से होगा, जाहिर सवाल उसका आई डैमेज होगा, होगा ना। उससे बचने के लिए क्या करती है फिशेज कि अपने आई का जो अंदर वाला लेयर होता है, ये जो रेड वाला निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन वाला, ये वाला जो लेयर होता है उसको बंद कर लेती, ऊपर वाला पलक खुला होता है, अंदर वाला लेयर से बंद की, उससे क्या हुआ वाटर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट क्या उसके आई से हुआ? नहीं हुआ। अच्छा वो लेयर जो है वो ट्रांसपेरेंट है तो उसको बंद करने के बावजूद मछली बाहर देख सकती है। अभी फिशेज में उसका रोल था क्योंकि वो पानी में थी, फिर आया एम्फीबिया, वो भी उसमें भी कुछ कुछ रोल है क्योंकि वो भी पानी में रहता, फिर आया रेप्टाइल्स, उसको उतना जरूरत नहीं है, लेकिन रेप्टाइल भी पानी के अंदर जा सकता है, कुछ रेप्टाइल्स जैसे क्रोकोडाइल उनमें भी होता है कुछ हद तक, ठीक है। फिर आया बर्ड्स, उनमें भी होता है लेकिन बर्ड्स में बहुत रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, और हमारे में जो रिड्यूस होकर सिर्फ साइड में बचता है ना, हमारे में सिर्फ यहां बचा, बाकी तो खत्म हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या इसका हमारे बॉडी में कोई रोल है अभी? नो, दिस इज ऑल्सो वेस्टिजियल। ठीक है, मैंने अभी आपको तीन बता दिया, अपेंडिक्स, बॉडी हेयर्स, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, उसके अलावा भी बहुत होता है, बहुत, बट नो नीड, अभी आगे बढ़ते हैं। अपेंडिक्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आज भी हमारे बॉडी में, आप सभी सुने होंगे हमारे बॉडी में इकोलाई होता है, होता है ना, इकोलाई का घर यही है अपेंडिक्स, इकोलाई यही होता है, हम सभी के बॉडी के अंदर इकोलाई, ये हमारे बॉडी का नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारा फ्रेंड है ये इकोलाई, अगर अपेंडिक्स में या फिर एनल रीजन में है तो। ठीक, सुनो पहले बता रहा हूं इकोलाई का काम क्या है। इकोलाई का काम होता है विटामिन के सिंथेसाइज करना, हमारे बॉडी में किस चीज का सिंथेसिस करता है? विटामिन के का। इकोलाई विटामिन के का सिंथेसिस कर रहा है। अभी
अपेंडिक्स के अंदर नॉर्मली जो इकोलाई है वो विटामिन के का सिंथेसिस करना शांति से। अच्छा घर में तुम में से कुछ तो जरूर अक्सर गाली बात सुने होगे, अभी बताते हैं क्यों। खाते वक्त अगर आप घूम रहे हो, घूम घूम के खा रहे हैं या फिर थोड़ा उछल कूद कर रहे हैं, खा रहे टीवी देख रहे हैं, कोई रिमोट छीन लिया, खाना छोड़े मारा पीटी पहले घर ही खाते हैं, ऐसा करने से तो घर वाले लोग समझाते हैं। खासकर अगर बाबा दादी नाना नानी मिल गए तो बड़ा प्यार से कि बाबू रे खाते वक्त ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। या छोटा बच्चा लोग आते हैं सो के लेट के उलट के पूरा इंसान का हिस्ट्री बोले उस तरह हिस्ट्री चिंपैंजी का याद दिला देता है खाता ऐसे, तो बोला जाता है कि बाबू खाते वक्त ऐसे नहीं करते, पेट में खाना इधर उधर हो सकता है। अगर गलती से चावल का एक दाना भी अपेंडिक्स में पहुंच गया, क्योंकि अपेंडिक्स नॉर्मल जगह है, देखो यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन इंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसी जगह से जरा सा आप ऊपर नीचे कर रहे थे और एक चावल का दाना यहां पहुंच गया अपेंडिक्स में पहुंचेगा। अपेंडिक्स में डाइजेशन नहीं होता, लेकिन चावल का दाना अगर पहुंच गया है। अच्छा चावल का दाना बड़ा होता है छोटा होता है? छोटा होता है। किसके लिए? हमारे लिए या इस इकोलाई के लिए? हम लोग के लिए। अबे इकोलाई दिखता भी नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके लिए तो पहाड़ नहीं है चावल का दाना, है ना। एक चावल के दाने पे तो 4-5 लाख तो यू ही एक सप्ताह तक पार्टी करेगा इतना। तो अगर एक भी चावल का दाना वहां पहुंचा तो इकोलाई उसको खाएगा, उसको सड़ाएगा, और अगर सड़ेगा वहां पे चावल का दाना तो इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन इन अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस एक बात मेरा याद रखना, किसी भी जगह पे अगर इन्फेक्शन होगा तो उसमें साइटिस जोड़ देते हैं। इन्फेक्शन इन लिवर हेपेटोसाइटिस, हेपेटिक सेल बोलते हैं लिवर को, हेपेटोसाइटिस। इन्फेक्शन इन स्टमक, स्टमक को गैस्ट्रो बोलते हैं, गैस्ट्रोसाइटिस। समझ रहे हो? जहां भी इन्फेक्शन होगा वहां साइटिस जोड़ दो। और अगर अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हुआ, अपेंडिसाइटिस हुआ, तो दर्द होगा, पेट दर्द होगा, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स हो गया। एक्चुअली अपेंडिक्स तो हमेशा ही होता है, अपेंडिसाइटिस हो गया है, इन्फेक्शन इन अपेंडिक्स। अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर बड़े प्यार से बोलेगा कोई छोटा सा बात है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा लीजिए। क्यों? ऐसे भी बेकार है, काट के निकाल दो। ठीक, अपेंडिसाइटिस के बाद अपेंडिक्स ऑपरेशन। यहां भी एक बात याद रखना, किसी के यहां डॉगी होगा क्या नाम? टॉमी, टॉमी नॉर्मल नाम, नॉर्मल नाम टॉमी होता है लोगों का, और टॉमी हमेशा ही काटता है। किसी दूसरे को देखा था नहीं तो फिर कौन काम का कुत्ता है? किसी को काट ही नहीं रहा है, सिर्फ भौंकता है। हाँ तो बस अभी ठीक है, काटता भी कोई भी चीज को काट के निकाल दो, लास्ट में टॉमी जोड़ दो, अपेंडिक टॉमी, ऑपरेशन ऑफ अपेंडिक्स। किसी भी चीज को काटना है, स्टमक को काटना है गैस्ट्रोटॉमी, यूट्रस का ऑपरेशन हो गया यूट्रस निकाले ओफरेक्टॉमी, कोई में भी टॉमी जोड़ दो। अच्छा एक कॉमन वाला टॉमी का बात करते हैं, ट्यूबेक्टॉमी का नाम सुने? 8th में पढ़े होंगे ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी, नहीं पढ़े? 8th ही नहीं पढ़े या ये नहीं पढ़े? अच्छा ठीक, पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स में पढ़े होंगे, सर्जिकल मेथड, कि अगर आप फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं तो कोई फीमेल फिर उसके बाद कंसीव नहीं करेगी। तो कटिंग डाउन ऑफ फैलोपियन ट्यूब ट्यूबेक्टॉमी, कटिंग डाउन ऑफ वास डिफरेंस मेल में वैसेक्टॉमी। नहीं पढ़े तो कोई नहीं, 10th में पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ये बहुत पूछता भी है, मतलब कोई साल बाद नहीं गया जब ये नहीं पूछता हो कि वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। खैर तो अपेंडिक्स समझ गए, अपेंडिक्स वेस्टिजियल ये भी समझ गए, अपेंडिक्स में इंफेक्शन अपेंडिसाइटिस और इसको काट के निकाले तो अपेंडेक्टॉमी। टॉमी जी बड़े प्यारे हैं, जिसको भी काट के निकालना लास्ट में टॉमी जोड़ दो।
ठीक, जिसको भी काट के निकालना है, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, कोई एग्जांपल बोलो तुम्हें लोग किसको काट के निकालना है, टंग, टंग को क्या बोलते हैं बायोलॉजिकली, किसी को पता है? क्या बात है, चलो ये हम तुम्हें से पूछे, बताओ हिंदी में हमको ही बता, बायोलॉजिकली मेडिकल टर्म उसका क्या है? टंग टेस्ट करता है, उस जो भी चीज टेस्ट करता है उसके लिए क्या टर्म यूज किए थे लास्ट टाइम बताया था मैंने? धीरे धीरे याद आ रहा, नहीं ट्यूबलाइट की तरह, क्या गस्टेट ट्री, बिल्कुल गस्टेट ट्री से होता है। अच्छा एक और चीज यहाँ से आ रहा है, गैस्टर, गैस्टर टर्म इज ऑल्सो यूज टू स्टमक, स्टमक को काट के निकालना तो गैस्ट्रेक्टॉमी, ठीक है गैस्ट्रेक्टॉमी। खैर कोई नहीं, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाता हूं, वापस लौटता हूं क्योंकि आज समझा दू थोड़ा और ज्यादा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग इतना कुछ जाने, तीन पार्ट, ड्यूओडेनम, इलियम, जेजनम। सबसे पहले बात करें ड्यूओडेनम के बारे में, ड्यूओडेनम सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये वो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जहां मेनली सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं। यहां पे तीन जगह से सेक्रीशन आता है, पहला सेक्रीशन आता है लीवर से, कहां से, दूसरा सिक्रीशन पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज, ये थोड़ा सा इधर क्लियर करता हूं, बहुत गंदा हो गया रिकॉर्डिंग में ही आप लोग। अच्छा चल लिख पर थोड़ा सा बता दे रहा हूं क्या लिखना है तुमको, लिखना है वेस्टिजियल ऑर्गन और उसमें पहले अपेंडिक्स का बात कर लोगे, बॉडी हेयर्स का बात कर लोगे और निकिटेटिंग मेम्ब्रेन का बात कर लोगे। एक्स्ट्रा नहीं है, अभी एक्स्ट्रा लग रहा है, बट आगे आपको टेंथ में ही पढ़ना है तो अभी पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। तीन पॉइंट लिखेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है ये मैंने बता दिया है, यूजलेस, जिसका हमारे बॉडी में अभी कोई काम नहीं है उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। उसके बाद आप आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, तीन पार्ट लिख लेंगे और फिर उसके आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं, इसका तीन पार्ट, पहला क्या है, ड्यूओडेनम, ध्यान से देखना अभी ठीक बना है, पहली बार अभी भी उतना ठीक नहीं बना बट ठीक ठाक, यही ना ड्यूओडेनम। इस ड्यूओडेनम में दो जगह से सेक्रीशन, पहला सेक्रीशन इस लीवर से, ये लीवर क्या सेक्रेट करता है, क्या सेक्रेट करता है लीवर, बाइल जूस। ये बाइल जूस स्टोर होता है, ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ये तो बोल रहे थे बट बोल तो जॉर्ज, बाइल जूस सीक्रेट कौन करा, लीवर, स्टोर कहा हुआ बाइल जूस गॉल ब्लैडर में। अभी गॉल ब्लैडर से ये यहां पे आता है और जिस डक्ट के थ्रू आता है उसका नाम है सिस्टिक डक्ट, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर बाइल जूस सीक्रेट करा लीवर, लीवर से गया गॉल ब्लैडर में, वहां स्टोर रहा और जब जरूरत पड़ा तब आया कहां पे, अबे सिस्टिक डक्ट के थ्रू कहां आया, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम पार्ट में। यहीं पे पैनक्रियाज भी होता है, अगर याद आ रहा हो, पत्ता लग रहा है वैसे, पैनक्रियाज है, पीपल पत्ता, पीपल पैनक्रियाज है, यहां पे ठीक है। अच्छा मैंने आपको शायद कभी बताया हो या शायद नहीं भी बताया, मैं श्योर नहीं हूं, हमारे बॉडी में मेनली दो तरह के ग्लैंड, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन, अब कंफर्म हो गया बताए हैं, हमको याद आ गया, एक और बताया था
हेट अराउंड नाइन नहीं कोई नहीं। अभी सुनो जरा, एक्सोक्राइन किसको बोलते थे? कई भैंस पानी है। एक्सोक्राइन वैसे ग्लैंड थे जो अपना सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू टारगेट साइट पर पहुंचाए। किसी डक्ट के थ्रू टारगेट साइट पर पहुंचाने का मतलब ये कि जैसे आपका सलाइवरी ग्लैंड, जैसे मान लो लीवर में, मानो ना लीवर के लिए एक डक्ट आया, डक्ट आया। अभी ये डक्ट जो है सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट के थ्रू अगर लीवर का सिक्रीशन आ रहा है, मींस कि ये क्या है? क्या है? एक्सोक्राइन। खैर ठीक, इसका उल्टा, इंडोक्राइन ग्लैंड वैसा ग्लैंड जो डक्टलेस हो, जैसे बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड, फिर से बोल, हाँ भी ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट जो होता है उसका नाम है एड्रेनलिन। थायराइड ग्लैंड ये सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन। इसका ध्यान अभी भी टॉमी पे ही हमको लग रहा है। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? थायरॉक्सिन। ये जो सिक्रीशन करता है, ये सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में होता है। सिक्रीशन कहाँ होता है? डायरेक्टली ब्लड में। और अगर सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में हो रहा है तो इस तरह के ग्लैंड को बोलेंगे डक्टलेस ग्लैंड। और ये कैसा है? ठीक, अभी सुनना। एक तीसरा टाइप होता है, ऐसे लिखो, क्या बात है, मजा आ रहा है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ये इस ग्लैंड का कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होता है और इसी ग्लैंड का कुछ पार्ट इंडोक्राइन होता है। जरा समझे मतलब क्या, मतलब इसी का बात कर लें, यही है। पैनक्रियास के बारे में सुनो, पैनक्रियास दो चीज सिक्रीट करता है, एक को आप भली भांति जानते हैं, अभी तक जान चुके होंगे, पैनक्रियाटिक जूस। ये जो सिक्रीशन होता है ये एक्सोक्राइन पार्ट से होता है, किससे? एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट बोले तो जो डक्ट के थ्रू सिक्रीशन हो, यहां पे डक्ट होता है पैनक्रियाटिक डक्ट, अगर आपको याद हो कुछ तो याद है ना, कि आप बचपन से राइशन तो पढ़ रहे हो, पैनक्रियाटिक डक्ट। और इसी से एक और सिक्रीशन होता है, ये भी शायद आप जानते हैं, नहीं सुने ना, सब लोग सुने होंगे इंसुलिन। ये एक हार्मोन है, इंसुलिन क्या है? नहीं, हमारे बॉडी में पहले से होता है, अगर नहीं रहेगा तो इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है। और ये कैसा है? ये कोई नहीं, सबको ठीक कर देता हूं, देखो फिर से एक बार फिर से सुनते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन पहला पार्ट ड्यूओडेनम, ड्यूओडेनम को अगर दिखाओ तो ये वाला डायग्राम ड्यूओडेनम का है, ये वाला डायग्राम ड्यूओडेनम का है, ठीक। इस ड्यूओडेनम के जस्ट यहां पे दो सिक्रीशन आया, पहला सिक्रीशन लीवर का क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। वो स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में, ठीक है ना। चलो जो ठीक हो गया उसको हटाओ, नहीं से लिखेंगे कैसे, जा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक। दूसरा सिक्रीशन किसके थ्रू आया? पैनक्रियाज।
क्या सिक्रीट करता है? अच्छा पैंक्रियास कैसा ग्लैंड है? हेटरोक्राइन का मतलब क्या? एक्सोक्राइन भी हो एंडोक्राइन भी हो, ये तो हटा दो ना। अभी हो गया पूरा क्लियर? हेटरोक्राइन का मतलब जो एक्सोक्राइन भी हो एंडोक्राइन भी हो, मतलब क्या? पैंक्रियास अगर मैं बात करूं तो पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट होता है जो कि एक्सोक्राइन है, और पैंक्रियास से ही इंसुलिन भी सिक्रीट होता है जो कि एक हार्मोन है, और कैसा पार्ट है? इंडोक्राइन। तो अभी हम लोग डाइजेशन में सिर्फ एक्सोक्राइन पार्ट वाले का बात करेंगे। यहां से इस पैंक्रियास से, इस पैंक्रियास से सिक्रीट होता है पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। सुनना, ये जो बाइल सिक्रीट हुआ, ये बाइल का काम होता है फैट को ब्रेक करना, फैट को ब्रेक करना। इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बता रहा हूं, रुक जाओ। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसके बाद आया पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में तीनों चीज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होता है। ये प्रोटीन भी डाइजेस्ट करता है, ये फैट भी डाइजेस्ट करता है थोड़ा सा, और ये कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट करता है। ठीक, यहां के बाद ये किस कौन से पार्ट का बात कर रहे थे हम लोग? ड्यूओडेनम। ड्यूओडेनम के बाद नेक्स्ट आएगा इलियम। इलियम में सिक्रीट होगा इंटेस्टाइनल जूस, जिसका एक और नाम है सकस इंटेरिकस। क्या नाम है? सकस इंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस को एक और नाम देते हैं सकस इंटेरिकस। ये सकस इंटेरिकस का काम क्या होता है कि उसमें इन सबसे डाइजेशन के बाद जो भी चीज का डाइजेस्ट होना बच गया वो सब दोबारा से डाइजेस्ट होता है और अपने स्मॉलेस्ट पार्टिकल में ब्रेक होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इस बार मैंने स्मॉलर नहीं बोला, स्मॉलेस्ट बोला, मतलब अब डाइजेशन नहीं होगा, खत्म। फाइनल डाइजेशन कहां पे होगा? इलियम वाले पार्ट में, जहां पे सकस इंटेरिकस एक्ट करेगा और सबको एकदम से डाइजेस्ट कर देगा। उसके बाद आएगा जेजुनम वाला पार्ट, वहां पे विलीज होता, विलाई का नाम सबको सुने हो, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, याद आ रहा है कुछ? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जिससे कि फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अभी बस सुन लो, लिखेंगे अगले क्लास में, और रिकॉर्डिंग में ही कोई नहीं, सब लोग अब मेरे चैनल के बारे में तो जान ही चुके होंगे, अभी भी नहीं जाने, जो नहीं जानते मैसेज कर देगा, नंबर तो जानता हूं वो भी नहीं जानते, नंबर भी भूल गए भाई, याद करने का हम कहा था, कोई नहीं। सारी नोटिफिकेशन आता है अच्छा मेरे फोन में सर, बहुत देर से आ रहे सर, टेलीग्राम का आ रहा होगा, कुछ क्वेश्चन वोश्चन आया होगा क्या? खैर उसके बाद एक और चीज, एक तो ये हो गया फाइनल डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विली के थ्रू, जिसका काम है सरफेस एरिया इंक्रीज करना, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो सब वापस एब्जॉर्ब हो जाएंगे। विलीज का एक और इंपॉर्टेंट रोल फैट के एब्जॉर्प्शन में होता है, कैसे क्या वो मैं बताऊंगा अगले क्लास में। और उसके बाद बचा लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे मेन काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। क्या काम होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन वहां पे होगा, और फिर फाइनली जो भी फिकल मैटर बचेगा वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे।